जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सर्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व है। आश्विन माह में पड़ने वाली अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में सर्वपित्र अमावस्या या महालय अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और विशेष व्यंजन व पकवान बनाए जाते हैं। बनाए गए भोजन को कौए, गाय व कुत्ते को दिया जाता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। अगर किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है, तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन मदिरा या मांस का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे पितृ दोष का खतरा बढ़ जाता है। इस दिन पितरों का ध्यान करें और अनजाने में हुई गलती के लिए उनसे क्षमा मांगें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे वह नाराज हो जाएं। आइए जानते हैं साल 2024 में सर्वपित्र अमावस्या कब है, तर्पण विधि, अमावस्या का शुभ मुहूर्त और श्राद्ध करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तर्पण विधि। पितृ अमावस्या यानी पितृ विसर्जन के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर नहाना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन घर की महिलाओं को नहा धोकर भोजन पकाना चाहिए। भोजन में खीर जरूर बनाएं। दक्षिण मुखी होकर बैठे और एक तांबे के पात्र में गंगाजल या स्वच्छ पानी भर लें। उसमें काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध और कुशा डालकर तर्पण करें। श्राद्ध के दिन किसी योग्य ब्राह्मण की मदद और उनके मार्गदर्शन से तर्पण करें। साथ ही ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और पंचबली भोग के तहत देवता, गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के लिए भोग निकालना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। अगर अमावस्या के दिन किसी का श्राद्ध नहीं भी कर रहे हैं तो भी उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या मुहूर्त। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। सर्वपितृ अमावस्या आरंभ 1 अक्टूबर को रात के 9:39 से। अमावस्या तिथि समाप्त 2 अक्टूबर को रात के 12:18 पर। श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त सुबह के 11:46 से दोपहर के 12:34 तक। रोहिण मुहूर्त दोपहर के 12:34 से दोपहर के 1:21 तक। अपराहन काल मुहूर्त दोपहर के 1:21 से दोपहर के 3:43 तक। ऐसे करें पितरों को विदा। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितर अपने पितृलोक लौट जाते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन दीप दान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। दीप दान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल या सरसों के तेल के 16 दीपक जलाएं। इसके बाद आप एक दीपक प्लेट में लें और एक लोटे में जल लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि पितृ पक्ष का समापन हो गया है। आप घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस चले जाएं। इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पर वे संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री हरि। जय श्री राम।